तो दोस्तों, अभी बाहर चलने से पहले आज मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने कुछ मंगाया है ऑनलाइन, कुछ ऑर्डर किया था अपने सोफे के लिए, सोफे के कवर। तो आओ उसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है वो। तो ये उसकी हो रही है अनबॉक्सिंग दिवाली के लिए, मतलब दिवाली की शॉपिंग चालू हो गई। तो ये पहली शॉपिंग हुई है अभी, अमेजोन से आया है ये। और ये सोफे का कवर है, 3 पीस वाला है ये ना। तो ये है इसका, हाँ ये है उसका अपर वाला जो पसंद आया। और ये सिंगल वाले हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। स्टार्ट हो गई दिवाली की शॉपिंग, जो जो मंगाएंगे वो दिखाते रहेंगे क्या क्या मंगाया है। कितने का ये? 800 रुपए का, ठीक है 800 रुपए महंगा गया, 500-600 रुपए का बाजार में भी मिलता है। वहाँ से लाते तो? हाँ वहाँ से लेके आते, अगर नवल्टी से तो यही हमें लगभग पड़ जाता है 500 रुपए का, 500-550 रुपए का मिल जाता है ये वाला ना, क्योंकि हमें पता है कहाँ क्या मिलता है दिल्ली में। तो पिछली बार जब गए थे वो वाला हम इतने का ही लाए हैं, 500-550 का ना। हाँ, हाँ तो इतने का आता, 500-550 का लेके आते, यहाँ से हमने 800 रुपए का लिया है। लेकिन वहाँ जाना बड़ी परेशानी की बात हो जाती है, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे आजकल। हाँ, तो वह बहुत ज्यादा टाइम सामान खरीदने में नहीं लगता जितना वहाँ पहुँचने में लग जाता है। ऑनलाइन से हमें सस्ता पड़ जाता है, अगर हम ऑफलाइन मार्केट में जाए ना, चांदनी चौक वगैरह में, जो हमें खासकर पता है होलसेल मार्केट कहाँ पे है, सस्ता मिल जाए। लेकिन वहाँ जाना और वहाँ पे स्ट्रगल करना ना, वो बस परेशान कर देता है। और फिर और ये जस्सू आ गया है, आज ये सोया नहीं दोपहर में, और आ गया यहाँ पे, अब सोएगा। आ जस्सू, चलना है स्कूल, बता जाना है स्कूल, नहीं जाना स्कूल, देख जाने के नाम पे देखो कैसा मुंह बन गया है। तो अभी जा रहे हैं कहीं, थोड़ा सा घूम के आते हैं बाहर, चलने हैं, परेशानी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं, जाते हैं, चलते हैं। तो चलो आपको भी बाहर ले चलता हूँ, थोड़ा घुमा के लेके आता हूँ, तो देखता हूँ कितना चल पाऊंगा कितना नहीं। तो चलो चलते हैं अभी। तो अभी आ गए हैं बाहर घूमने के लिए, थोड़ा अभी घूमते हैं थोड़ी देर, फिर जाएंगे घर। अभी मार्केट आए हैं अभी, और इनको खाने हैं यहाँ पर मूंग के दाल के पकौड़े, मूंग दाल के जो पकौड़े होते हैं ना, राम लड्डू, वो खाने हैं। और यहाँ पे अभी वो दिखाई नहीं पड़ रहा, शाम को पता नहीं होगा या नहीं होगा, वैसे रहता तो है यहाँ पर एक, चलो देखते हैं अभी। ये कितने के लड्डू, राम लड्डू? 30 रुपए वाली दे दो एक। तो ये भैया बना रहे हैं लड्डू। हमारे राम लड्डू ये हो गए हमारे तैयार लड्डू, और इसमें चटनी वटनी डाल दी है, फर्स्ट क्लास, एकदम देखने में बड़े मस्त लग रहे हैं। चलो खाते हैं इसे। ये है इनके फेवरेट राम, अब ये खाना भी दिखाएगी इसके बाद, ये फेवरेट राम लड्डू है इनके, वही खा के रहेंगे। और देखो हमारे पीछे है बर्गर कंपनी, और उसके बाहर से हम खा रहे हैं राम लड्डू, और मूली वाले लड्डू खा लिए हमने अपने, और अब देखते हैं कुछ और खाते हैं। ये कुछ नहीं खाएंगे, वैसे तो मेरा ही मन कुछ खाने का नहीं है, देखते हैं थोड़ी देर घूमते हैं, खाली थोड़ी देर घूमते हैं फिर चलते हैं। तो भाई अभी ना घर से फ़ोन आ गया बच्चों का, वो कह रहे हैं कुछ खाने के लिए ले आओ। तो मैंने कहा क्या लेके आऊँ, तो वो कह रहे हैं यार कि ना चावल से सांभर खाएंगे आज शाम को। तो अभी मैं आ गया हूँ एक दुकान पर, ये मेरे साथ में दुकान है, यहाँ से सांभर लेते हैं और चटनी लेते हैं, और घर पर चल के चावल बनाएंगे और सांभर चावल खाएंगे फिर। चलो ले लेते हैं। तो भाई ले लिया है मैंने अपना सांभर वगैरह यहाँ से जो लेना था, और साथ में एक कोक ले लिए, कोक पीने का मन कर रहा था, तो इनको तो अच्छी नहीं लग रही, चलो मैं ही पी लेता हूँ अभी। देखो हमारे यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 9 बजे हैं, और चहल पहल अभी से कम हो गई है, पता नहीं क्यों, वैसे यहाँ बहुत भीड़ होती है, आज पता नहीं क्यों कम है भीड़ भाड़। दिवाली का टाइम आ रहा है तो सब ने अपनी दुकानें उकानें सजानी चालू कर दी हैं। तो भाई मेरे ना जिस पैर में चोट लगी है, आपने चाल देखो कैसी हो गई है आज, तो आपको दिखाता हूँ। मैं चल तो रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार घूम ही आते हैं। तो मैं तुम्हें अपनी चाल दिखाता हूँ अभी, मेरी चाल कैसी हो गई है।
भाई अभी ना हम आ गए हैं मार्केट से, निकल गए थोड़ा घूमने गए थे ऐसे। अब बच्चों ने सांभर मंगाई थी वो भी ले लिया हमने, और घर पे चल के जो है चावल बनाएंगे और सांभर चावल खाएंगे। अब मेरे को यार वहाँ प्यास लग रही थी, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पी ली, मेरे को तो अच्छी लगती है कोल्ड ड्रिंक। इनको कहा ये कहती है मेरे को कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है। अब मेरे अच्छा मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो, चाहे वो कोक हो पेप्सी हो, मेरे को मस्त लगती है, लेकिन इनको नहीं सही लगती। पीनी नहीं चाहिए वैसे, सही बताऊँ कोल्ड ड्रिंक क्यों पीनी है? क्यों कोल्ड ड्रिंक सही होती है, कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा आता है कोल्ड ड्रिंक पीने में। तो जो बाद में निकलता है ना से नहीं यार, मेरे को तो मजा आता है भाई कोल्ड ड्रिंक पीने में। वैसे मुझे वो वही भी वैसे हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक बहुत ना के बराबर आती है, तो हमारे घर में पीते ही नहीं कोल्ड ड्रिंक। अभी कभी आएगी तो अभी मेरी पसंद की आएगी फैंटा खाली। हाँ भाई ये बात तो, हमारे यहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक आती है ना या तो फ्रूटी आएगी या फैंटा आएगी, ब्लैक किसी को अच्छी नहीं लगती, खाली मेरे को अच्छी लगती है ब्लैक। तो दोस्तों अब पहुंच गए हैं घर और अब खाना वाना खाएंगे। अभी लेके आ गए हैं अपना सामान, प्रियांशु ने बना दिए हैं चावल। लेकिन दोस्तों अभी ना एक और हमारे साथ दुर्घटना होते होते बच गई। अभी हम दोनों लोग ना साथ में आ रहे थे जैसे, तो हमारे इधर थोड़ा ना एक जगह है थोड़ी वो सुनसान रहती है, तो हम वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो इन्होंने ये गले में ये डाला हुआ है लॉकेट, ये गोल्ड का है और कान में भी थोड़े छोटे से रिंग हैं। तो एक चैन स्नैचर आया, वो आके इनके पास से एकदम चला गया। एक्चुअली हमको पता ही नहीं चला कि वो कौन है, क्या करके गया क्या नहीं, लेकिन वो कान के छोटे होने की वजह से पता नहीं लगा, इनको भी आभास नहीं हुआ उस चीज़ का कि उसने कुछ किया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, खाली उसने शायद टच किया होगा और करके वो निकल गया। और फिर जो पीछे हमारे ना एक लड़की आ रही थी, उसने कहा कि आंटी आप ना अपने इसको कान को ढक लो, नहीं तो आपके ये कोई खींच के ले जाएगा। अभी आपके पीछे से एक स्नैचर गया है, चैन स्नैच का हो सकता है कर लेता, लेकिन आज बच गए। एक्चुअली बात ये नहीं थी कि कान के ले जाता, छोटे से थे कान की निकाल के ले जाता, लेकिन वो निकाल के नहीं ले जाता, वो खींच के ले जाता, और खींच के ले जाता तो यानी कि जख्म भी हो जाता, इंजरी हो जाती। तो भाई कभी भी आप बाहर जाएँ निकलें और सुनसान जगह पर जाएँ तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और हो सके तो ज्वेलरी वगैरह पहन के ना जाएँ, लेकिन यहाँ फिर भी जाना तो पड़ता ही है, तो ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं तो उसको ध्यान में रखें। तो आज एक दुर्घटना होते होते बची। वैसे आज का दिन कहने को तो कह सकते हैं अच्छा था आज का दिन, हमें चोट भी लग गई लेकिन इतनी नहीं लगी कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई हो। इनके साथ भी अभी दुर्घटना होते होते बची, तो कुल मिला के कुछ नहीं हुआ, माता रानी की कृपा रही और दिन ठीक ठाक ही रहा। मेरे भी पैर में इतनी ज्यादा नहीं लगी जिस तरीके से बाइक, तुम कहते पैर हाँ, पे पैर पे मेरे बाइक गिरी थी तो उतनी चोट नहीं लगी, पैर पे नहीं लगी है चोट, दूसरे पे लग गई जिस पे वो मार के गया। बिल्कुल, तो मैं तो माता रानी का शुक्र मनाऊंगा कि हाँ हम पूरी फैमिली के साथ सुरक्षित है और अभी भी शाम को भी पूरे सुरक्षित है। तो बस माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग भी इस चीज का ध्यान रखिए, खासकर कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे लोगों का ध्यान रखिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस सतर्क रहें अपने आप में। लेकिन आज मैंने सतर्कता नहीं बरती थी, लेकिन आपको हमें सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो बस यही कहूँगा मैं। और आज अपने ब्लॉग को भी यहीं पर करता हूँ एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लोगों को शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।